तो गाइस सीरियसली न्यू चैलेंज आ गया, तो चलो इसे डाउन करते हैं। तो फ्लिंगर साइड में उतार के जितने भी हमारे पास है स्पेल है उसको डाल दिए। अब हम अस्त्र वेट करते हैं, उसके बाद पहला हॉग राइडर साइड से डालना, बाकी दोनों को आगे से जिससे वो डिफेंस को डाउन करते हैं। जो पहला हॉग राइडर था वो सबका ध्यान अपने ऊपर ले लिया था। अब जैसे पहला आर्चर टावर डाउन होगा तो हमें ग्रैंड वार्डन डाल देना है। ग्रैंड वार्डन डालने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। दूसरा आर्चर टावर जैसे ही डाउन हो जाएगा, तीनों पैका, तीनों बीच, तीनों सुपर बॉलर, तीनों बॉलर लाइन से डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। दोनों हेड हंटर पीछे से डालेंगे थोड़ा सा वेट करके। चलो हम डाल देते हैं हेड हंटर को पीछे से। अब थोड़ा सा वेट करेंगे जब ये लोग अंदर चला जाएगा, टीएच जैसे एक्टिवेट होगा उसके बाद हमें फिर ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ करनी है। तो टीएच एक्टिवेट हो गया, अब ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर देते हैं और आरसी पे यहाँ उतार देते हैं जिससे वो कैनन डाउन करेगा। अब हमारे पास एक हेड हंटर, दो बॉल ब्रेकर बचे हैं। अब हमें क्या करना है, एक हेड हंटर यहाँ साइड से डाल देना है जिससे वो जो एक और रॉयल चैंपियन बचा है डिफेंस वाला उस पर चल जाएगा। यहाँ से हम बॉल तोड़ देते हैं जिससे फ्लिंगर को आसानी होगा अंदर जाने में। उसके बाद अब कुछ नहीं बचा, बस बैठे रहना और रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज़ करेंगे। जितना डिफेंस था सब डाउन हो गया, बस दो चार को बचा है जो ऐसे ही चला जाएगा। पहला चल गया, दूसरा गया। जो हमारा रॉयल चैंपियन वो मतलब मेन काम वो कर देता है और फ्लिंगर कर देता है, बाकी फिर कुछ बचा ही नहीं है। तो जाओ जाके लूट लो इस चैलेंज को। तो गाइस जाके लूट लो, चलो बाय।